brought to you by CoinSwitch.com. Download the app now. क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमने अर्थशास्त्र, विज्ञान और दर्शन शास्त्र के माध्यम से तो समझ लिया, अब रह जाती है इसकी सामाजिक और राजनीतिक विवेचना। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हमारी खास सीरीज एक नया पैसा। आपको पहला एपिसोड याद है जहां हमने आपको पैरेलल करेंसी के बारे में विस्तार से बताया था और साथ में ये भी प्रॉमिस किया था कि इसके लीगल पहलू पर एक बार फिर से बात करेंगे। तो पैरेलल करेंसी से क्यों भारत या कई अन्य देशों की सरकारें डरती हैं? इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि अवैध कार्यों के लिए पैरेलल करेंसी ज्यादा प्रेफर की जाती है। हालांकि कुछ रेगुलेशन के साथ सभी देशों की सरकारें इस डर से उबर सकती हैं। सरकारों को यह भी एक डर है कि इससे सेंट्रल करेंसी की साख पर भी असर पड़ेगा। अब ये क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा एक ऐसा फैक्ट है जो ठीक ठीक एडवांटेज या डिसएडवांटेज वाले खाने में नहीं रखा जा सकता। एक और पॉइंट जो क्रिप्टो का एडवांटेज है या डिसएडवांटेज कहना मुश्किल है, और वो है इसकी वैल्यू का तेजी से बढ़ना या घटना। मतलब क्रिप्टो करेंसी हाईली वोलेटाइल है। अब सोचिए ना, अगर करेंसी के दाम ही इतना तेजी से घट बढ़ रहा हो, उससे किसी और चीज का दाम कैसे लगाया जाए? वो कविता याद है जिसमें चांद की माँ कहती थी कि तेरे लिए स्वेटर कैसे बुंदूं, तू तो रोज घटता बढ़ता है। और इसी बात की चर्चा हमने दूसरे एपिसोड में भी की थी कि क्यों क्रिप्टो करेंसी थ्योरी में एक करेंसी होकर भी व्यवहारिक रूप से करेंसी नहीं बन पा रही। हालांकि क्रिप्टो के मूल्य का घटना बढ़ना ही वो सबसे महत्वपूर्ण कारण भी है जिसके चलते लोग इसके पीछे बहुत तेजी से भाग रहे हैं, जब वी मेट की गीत की तरह। इसलिए तो लोगों को क्रिप्टो करेंसी बाकी तरह की मुद्राओं का तो विकल्प नहीं लगती, लेकिन फिर भी उन्हें ये पसंद है क्योंकि इसका मूल्य बढ़ रहा है और वे लोग क्रिप्टो करेंसी को एक इन्वेस्टमेंट या एसेट की तरह देखते हैं। अभी हमने क्रिप्टो के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स बताए जिनका फायदा या नुकसान इस पर निर्भर करता है कि आप किस नजरिए से उन्हें देख रहे हैं या फिर किस पाले में हैं। लेकिन फिर हर किसी शेयर की तरह क्रिप्टो के भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें साफ साफ फायदे या नुकसान की कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले क्रिप्टो के फायदों के बारे में जानते हैं। स्पीड 5G वाली, दाम जियो वाले। आपको सिर्फ पिछले एपिसोड्स का रिवीजन करना होगा यह जानने के लिए कि क्रिप्टो करेंसी को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में ट्रांसफर करने में पारंपरिक मुद्राओं की तुलना में कहीं कम शुल्क या ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ता है। साथ ही ट्रांसफर तुलनात्मक रूप से काफी तेज भी होता है, खासतौर पर इंटरनेशनल मामलों में। कारण कई हैं। जैसे जब आप कोई पारंपरिक मुद्रा एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर करते हो तो रेट ऑफ एक्सचेंज आदि भी पिक्चर में रहते हैं, क्योंकि भारत से ट्रांसफर किए गए रुपए अमेरिका में डॉलर के रूप में प्राप्त होंगे, वहीं यहां जो क्रिप्टो करेंसी है माना बिटकॉइन अमेरिका में वही रहेगी। रेट ऑफ एक्सचेंज ही नहीं, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन जैसी कई और जटिलताएं भी पारंपरिक मनी ट्रांसफर की रफ्तार धीमा कर देती हैं, जबकि क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पीयर टू पीयर हैं इसलिए तेज। जब बुलाओगे चले आएंगे। अब अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बात करें तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के बाद आप जब चाहें तब अपने क्रिप्टो को भुना इन कैश करवा सकते हो। यू लिक्विडिटी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी तुलना किसी और इन्वेस्टमेंट जैसे गोल्ड, रियल स्टेट या ULIP आदि से करने पर क्रिप्टो 21 साबित होती है। हालांकि ऐसा ही कुछ शेयर्स के मामले में भी है, लेकिन फिर भी क्रिप्टो इसलिए लिक्विडिटी के मामले में बेहतर साबित होती है क्योंकि शेयर्स के उलट इसकी ट्रेडिंग 24 घंटे सातों दिन होती है। साथ ही शेयर्स इन कैश करवाने के 2 दिन बाद आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, जबकि क्रिप्टो तुरंत इन कैश करवाए जा सकते हैं। आज रात 12 बजे के बाद। हम जानते हैं ये एक विकेंद्रित मुद्रा है, मतलब दुनिया की किसी भी सरकार या केंद्रीय बैंक का क्रिप्टो पर कोई कंट्रोल नहीं, यानी दुनिया की कोई भी सरकार आपके बिटकॉइन के सिक्कों को फ्रीज नहीं कर सकती, उन्हें चोरी नहीं किया जा सकता और सरकार उन्हें जब्त भी नहीं कर सकती। कुछ साल पहले जब मोदी सरकार ने 500 और 1000 के नोटों पर बैन लगा दिया था तो लोगों के लाखों रुपए कागज के टुकड़े भर बनकर रह गए थे। जाहिर है बिटकॉइन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। नया दौर।
आप किसी शोरूम में जाते हैं, उसके कांच वाले एंट्री गेट में लिखा होता है ऑल क्रेडिट कार्ड्स एक्सेप्टेड। आज से कुछ दशक पहले दुकान की शूशा दिखाने का बढ़िया जरिया था, लेकिन अब हर छोटा बड़ा दुकानदार क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करता है। सोचिए क्या हो अगर आप किसी दुकान में जाएं और लिखा हो ऑल क्रिप्टो एक्सेप्टेड, दुकान का अलग ही भौकाल नहीं होगा। बेशक आप उसे पेमेंट कैश से ही करें, हालांकि आने वाले समय में न केवल ये शो ऑफ का साधन बल्कि एक आवश्यक वैकल्पिक मुद्रा बन जाएगी। कितना बड़ा पैराडॉक्स है ना, आवश्यक वैकल्पिक। बहरहाल अभी दिक्कत है तो इसकी स्टेबिलिटी और इसकी स्वीकार्यता की। तेरी गठरी में लागा चोर, भाई आईएफएससी कोड भी बताना। ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने के लिए नाम और अकाउंट नंबर पूछने के बाद ये सुना सुनाया डायलॉग है। पारंपरिक ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए अकाउंट नंबर, नाम आदि डिटेल्स की जरूरत पड़ती है। इस जानकारी के गलत हाथों में पड़ जाने का खतरा बना रहता है। क्रिप्टो के लेन देन के लिए आपको किसी भी तरह की निजी जानकारी किसी को देने की जरूरत नहीं होती। आप जिससे भी क्रिप्टो खरीदते या बेचते हैं उसे आपके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। ये सब क्रिप्टो को पारंपरिक मुद्रा के मुकाबले कहीं अधिक सुरक्षित और गोपनीय बनाता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। यदि आप इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं तो आप मोनोपोली या एकाधिकार के बारे में जानते होंगे। अगर मार्केट में किसी एक कंपनी की मोनोपोली हो जाए तो कंपनी अपनी मनमानी कर सकती है और ग्राहकों को ना चाहते हुए भी उसी कंपनी के पास जाना पड़ता है। इसीलिए सरकारें ऐसे नियम बनाती हैं ताकि बाजार में किसी एक कंपनी का एकाधिकार ना हो सके। मार्केट में कॉम्पिटिशन के चलते फायदा कस्टमर्स का होता है। कुछ ऐसा ही हाल है क्रिप्टो करेंसी की मार्केट का। इस मार्केट में नई नई करेंसीज आ रही हैं जो कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए काफी सारी स्कीमों का यूज करती हैं, जिससे फायदा कस्टमर्स का होता है। फिलहाल बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के मार्केट की बेताज बादशाह है। चलिए अब फटाफट क्रिप्टो के कुछ ड्रॉबैक्स की भी बात कर ली जाए। आज मैं ऊपर आसमान नीचे। क्रिप्टो करेंसी का मूल्य थोड़े समय में काफी बदल सकता है। अब जैसे बिटकॉइन की कीमत जनवरी 2018 में $17,000 तक पहुंच गई थी, लेकिन सिर्फ एक महीने से भी कम समय में बिटकॉइन की कीमत $7,000 तक गिर गई। इसलिए आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपका फायदा ही होगा। कहीं ऐसा ना हो कि गए तो थे लखपति बनने और आ गए सड़क पर। हालिया उदाहरण देखें तो टेस्ला के मालिक एलन मस्क के एक ट्वीट से बिटकॉइन और डॉजकॉइन की कीमत में काफी उतार चढ़ाव हुआ। किसी इन्वेस्टमेंट एसेट का इतना वोलेटाइल होना रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जोखिम भरा हो सकता है। तुझे दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। चाहे कितनी ही सुरक्षित हो, क्रिप्टो करेंसी है तो डिजिटल ही। आप इसे सोने या पैसों की तरह तिजोरी या बैंक के लॉकर में नहीं रख सकते। बैंकिंग में आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाए तो आप शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस, बैंक और नियामक संस्थाओं के पास जा सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी ये तो काफी सुरक्षित है, पर फिर भी हैक कर लिए जाने की स्थिति में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अधिकतर देशों में क्रिप्टो को लेकर ना कोई नियम है ना ऐसी कोई एजेंसी जिसके पास जाकर आप शिकायत कर सकें। लेकिन यहां पर भी वही बात कि क्रिप्टो करेंसी एक मातृभाषा की तरह अस्तित्व में आई, जिसे बोलना तो सब सीख गए पर ग्रामर नहीं सीखे। तो उम्मीद है कि एक दिन इसकी प्रॉपर ग्रामर भी बन जाएगी और इससे जुड़े हुए सारे डर एड्रेस भी हो जाएंगे। मैं तेजा हूं, मार के धर है। सरकारें डरती हैं कि विकेंद्रित और गोपनीय होने के कारण क्रिप्टो करेंसी का यूज गलत और गैर कानूनी चीजों के लिए भी किया जाता है। लेकिन जैसे चाकू का इस्तेमाल टेस्टी डिश बनाने के लिए, किसी की सर्जरी करके उसकी जान बचाने के लिए और साथ ही किसी का कत्ल करने के लिए भी किया जा सकता है, वैसे ये दोष क्रिप्टो कॉन्सेप्ट का निहित या इनहेरेंट दोष नहीं लगता। और जैसे शुरू में बताया था, इसे पार पाना मुश्किल नहीं। बहुत कठिन है डगर पनघट की। कुछ ऑनलाइन स्टोर्स, ब्रांड और दुनिया की कुछ जगहों में दुकानों में भी क्रिप्टो को स्वीकार किए जाने की छिटपुट खबरें आती रहती हैं, पर अभी भी ये सामान्य लेन देन में दिखाई नहीं देती। तो अभी इसे फ्रंटलाइन करेंसी बनने में काफी समय लगने वाला है। कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। अगर आपकी हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाती है या वायरस आपकी वॉलेट फाइल में घुस जाता है तो आप अपने बिटकॉइन खो सकते हैं। आप एक पल में ही अमीर से दिवालिया हो सकते हैं, जिसके बाद कुछ नहीं किया जा सकता।
तो क्रिप्टो से जुड़े फायदे नुकसान जानने के बाद आखिर में सवाल यही रह जाता है, टू बी और नॉट टू बी, इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। भाई हमारा काम तटस्थ रूप से इसके फायदे नुकसान गिनाना, बाकी लास्ट से तो आपका होगा। वो एक दूरदर्शन का एड था ना, मर्जी आपकी, आखिर सर है आपका। अभी के लिए लेते हैं हम विदा। हम धीरे धीरे सीरीज के समापन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आपके कोई सवाल या कोई राय हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अंतिम एपिसोड में जितने संभव हो सके कमेंट लेने का हम प्रयास करेंगे। शुक्रिया, नमस्कार। क्रिप्टो करेंसी का समझिए सारा माया जाल। फिर भी अगर बचे कोई सवाल, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, हमारी वेबसाइट हो या ऐप, जहां कहीं भी से देख रहे हैं आप, कमेंट सेक्शन का कीजिए फुल ऑन इस्तेमाल। 10वें एपिसोड में लिए जाएंगे आपके सारे सवाल। तब तक देखते रहिए एक नया पैसा हमारे साथ।